अर्थ प्रकाश देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण विष्णु के आठवें अवतार कन्हैया माधव श्याम गोपाल केशव द्वारकेश या द्वारकाधीश वासुदेव आदि कई नामों से जाना जाता है उन्हें। श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी आदर्श दार्शनिक स्थित प्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष युग पुरुष या युग अवतार का स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण के चरित्र का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। भगवद गीता कृष्ण अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जिनको 16 कला संपूर्ण कहा गया है, 16 कलाओं का ज्ञाता कहा गया है। आज धर्म और अध्यात्म में हमारा चर्चा का विषय है श्री कृष्ण द्वारा जीवन में प्राप्त की गई शिक्षाएं। मेरे साथ हैं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कृष्ण कुमार आर्य जी, जो हरियाणा सरकार में DPRO के पद पर नौकरी करते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी कर्मयोगी कृष्ण। कर्मयोगी कृष्ण में इन्होंने श्री कृष्ण के जीवन को बड़े अलग तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से पेश किया है। आइए आज श्री कृष्ण के जीवन काल की शिक्षाएं जो है, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं ग्रहण की हैं अपने जीवन काल में, इसी पर चर्चा करते हैं। कृष्ण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी, आपने आपकी जो पुस्तक है कर्मयोगी कृष्ण, उसमें पांचवा जो अध्याय है उसमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में वर्णन किया है, उनको आप कैसे प्रमाणित करते हैं? देखिए राजेंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण के विषय में लोग उनको अलग अलग ढंग से जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं जी। परंतु जो आज का हमारा ये अध्याय है या जो विषय है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। शिक्षाएं, देखो कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो माता पिता चाहते हैं कि उसको शिक्षित किया जाए जी, बेहतर तरीके से शिक्षित। परंतु कृष्ण थोड़ा सा इससे हटके थे, अलग थे, क्योंकि वो एक दिव्य आत्मा थे, जन्म जन्मांतरों के ऋषि थे, और उनके जीवन पर, ऋषि लोग ऐसा कहते हैं कि उनके जीवन पर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक भी दाग नहीं था जी। उन्होंने रत्ती भर भी कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जिससे कि उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लग सके। रही बात उनकी शिक्षाओं की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है जी, बिल्कुल ठीक, जन्म से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि जन्म से ही व्यक्ति की पहचान नहीं होती, कर्म से हो, केवल कर्म से होती है। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे गांव में, और वैसे भी एक मुहावरा भी है कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे सकते हैं। तो श्री कृष्ण जिस समय जन्म लेने के लिए माता के गर्भ में आए, तो उनका जो चेहरा था ओज से भर गया था, उनकी आंखें में तेजी आ गई थी, तेजस्वी हो गई थी, और पूरे शरीर में एक उमंग अलग तरीके से उनको अनुभव होने लगी है। ऐसा बताया है ऋषियों ने कि जिसमें पांचवा महीना माता को था, तो उनके मुख से वेद मंत्र निकलने लगे जी। तो वसुदेव जी जो उनको साथ में थे, तो वो भी कहने लगे, देखो देवी, ये जो आत्मा आपके गर्भ में आई है, ये जो गोलोक से, ये जो अंतरिक्ष लोक से आत्मा आपके घर में जन्म लेना चाहती है, ले रही है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये हमारा उद्धार करेगी, हमें जेल से बाहर निकालेगी। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आठवें महीने के दौरान तो माता में और तेज अनुभूति महसूस करने लगी।
तो उससे क्या हुआ कि वसुदेव जी वो भी बड़े मतलब धर्म के ज्ञाता थे, समझते थे कर्मों का, कर्मों के महत्व को समझते थे। तो वो कहने लगे कि ये जो आत्मा है ये कोई दिव्य आत्मा है, ऋषि आत्मा है, और जो इस संसार को एक विशेष आभा से परिलक्षित करेगी, आच्छादित करेगी। तो बात को प्रूफ किया उस समय जिस समय राशि यज्ञ हो रहा था जी युधिष्ठिर का, तो वहां पर भीष्म पिता मैंने पूरी सभा बैठी थी, उन्होंने एक महाभारत में ये श्लोक आया है कि वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाध्य वेकम तथा निर्णाम लोके को अन्य अस्ते विशिष्ट है केशवाधृते है। यानी कि इस संसार में उस समय का जो संसार जो पिता मैं बोल रहे थे कि श्री कृष्ण के समतुल्य कोई भी व्यक्ति नहीं, वो वेद वेदांग के ज्ञाता थे, महान बलस्वी थे। मैं ये कह सकता हूं कि आज तक इस सृष्टि पे देखो वैसे किसी का हम तुलना नहीं करते, पर फिर भी उनके गुणों के समान कोई उनके समकक्ष नहीं दिखाई देते। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 विद्याओं को आत्मसात किया था। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं इस चीज का क्या मायना है कि 64 दिनों में 64 विद्याएं आत्मसात की उन्होंने। देखिए श्री कृष्ण के विषय में जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो उनका कोई साधारण जन्म नहीं था, वो जन्म जन्मांतरों के ऋषि रहे हैं, और वैसे भी ऋषियों ने 64 विद्याएं नहीं मानी, केवल 14 विद्याएं मानी जी, जिसमें चार वेद, चार उपवेद और 6 वेदांग। परंतु अगर इससे हटकर के भी कुछ शास्त्रों में ग्रंथों में ये कहा है कि चार वेद, चार उपवेद, 6 वेदांग, 6 दर्शन, 6 शास्त्र, उपनिषद, 11 उपनिषद, मनुस्मृति और 1000 से अधिक वेद की शाखाएं जी, उन सब का ज्ञान श्री कृष्ण को था। इसके अतिरिक्त वैसे कि जितने भी ये मैंने बताए हैं ये सब वेद के ही पार्ट हैं जी, सब कुछ वेद में ही है। जो 14 विद्याएं मैंने स्टार्टिंग में बताई वो सब कुछ वेद में है जी, इन 14 में है। तो इसके अतिरिक्त अगर हम इनको थोड़ा विस्तार से समझना चाहें तो जैसे वो ब्रह्म विद्या को जानते थे, योग विद्या को जानते थे, अंक गणित को जानते थे, रसायन विद्या को जानते थे, भौतिक विद्या को जानते थे, समाज शास्त्र को जानते थे, ईश्वर जीव प्रकृति को जानते थे, सागर विद्या को जानते थे, अंतरिक्ष विद्या को जानते थे, वो अग्नि विद्या को जानते थे, और समाज शास्त्र के जो राजनीति शास्त्र के 6 अंग उन सबको वो जानते थे, विरह और अनेक ऐसी विद्याएं जिनको लोग सुनते भी नहीं है, आम भाषा में प्रचलित नहीं है, उन सभी विद्याओं को श्री कृष्ण के आत्मसात किया हुआ था। तो इसके इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आज जैसे कोई भी एक व्यक्ति किसी भी एक टॉपिक पे पीएचडी कर लेते हैं, परंतु उनके तो एक एक विषय पर हजारों पीएचडी हो सकती है, जितना ज्ञान उस चरित्र के अंदर था, उस महामानव के अंदर था। इसी के लिए इसीलिए तो हमने उनको भगवान की श्रेणी में रखा है जी। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो ये 64 विद्याएं हैं वो थी तो हमने उनको विस्तार दे दिया है, पर मूल विद्याएं 14 थी जी। एक शब्द और आता है आपकी किताब में तत्व ज्ञान, अगर 5वें अध्याय की बात करें, आपकी शिक्षाओं की बात की आपने, उसमें उसमें आपने तत्व ज्ञान की बात की है, ये तत्व ज्ञान क्या है और श्री कृष्ण ने इसको कैसे प्राप्त किया था? देखिए जो शिक्षा है वो हमारे दो भाग में बांटी जाती है जी, एक विद्या और एक अविद्या। विद्याम च अविद्याम यस्तो दुभ्यस है अविद्या मृत्यु तितरवा विद्याम अमृत मनुष्य। ये यजुर्वेद का मंत्र है।
उसमें क्या कहा है कि विद्या और अविद्या दोनों व्यक्ति के साथ साथ चलती है। अब अविद्या को पहले हम समझ लेते हैं मोटी मोटी भाषा में, हम क्या अविद्या क्या होती है। जितना भी भौतिक ज्ञान है, जैसे हम पढ़ रहे हैं स्कूल की जो किताबें पढ़ते हैं, कोई डिग्री करते हैं, मास्टर डिग्री पीएचडी कुछ भी करते हैं, उसको शास्त्रों में अविद्या माना गया है। जो अपने जीवन यापन के लिए जो हम कार्य करते हैं उसे अविद्या माना गया है। ठीक है जी, एक मूल भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं या बताऊं तो वो क्या है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानना अविद्या माना गया है। हमने क्या किया, हमने सब कुछ इस भौतिकवाद को ही मान लिया, इसी में सब कुछ है, परंतु ये सब कुछ नहीं है, इससे अलग एक और पार्ट है जीवन का जिसको हम विद्या कहते हैं। और वो विद्या क्या है, वो व्यक्ति कोई आत्मा को ऊर्ध्व गति प्राप्त करके ईश्वर की तरफ ले जाती है जी, और उसको हम विद्या बोलते हैं, जिसमें योग साधना इत्यादि है, वेद का ज्ञान जो है, वेद का ज्ञान तो उसको हम दूसरे तरीके से करते, अगर उसको हम आचरण में अपना लेंगे तो वो विद्या है। सबसे अहम चीज है कि उसको अपने आचरण में अपनाना बहुत जरूरी है, यानी कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही समझना वो विद्या है, और उससे विपरीत समझना वो अविद्या है। तो जो व्यक्ति विद्या ग्रहण करता है तो उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब वो तत्व ज्ञान क्या है, जैसे हमारे हाथ में ये पांच उंगलियां हैं, ये पांच तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, हमारा शरीर भी पांच तत्वों से मिला है। सबसे पहले ये जो अंगुष्ठ है ये पृथ्वी का द्योतक है, ये अग्नि की है, ये अंतरिक्ष की है, ये आपह पानी की है, और ये वायु की है। तो जो वो विद्या जिसको श्री कृष्ण ने आत्मसात किया था उसको हम क्या कहते हैं, उन्होंने अंगूठे को अग्नि को, ये धरती है और ये अग्नि है, इन दोनों का मेल करा करके ध्यान मग्न हुए और इससे उन्होंने अग्नि की समस्त विद्याओं को जान लिया। अंतरिक्ष में किया है तो अंतरिक्ष की समस्त विद्याओं को जान लिया, और पानी है तो पानी की समस्त विद्याओं को उन्होंने जान लिया, वायु की है वायु की जान लिया। तो इस तरह से उन्होंने समस्त विद्याओं को जानने के उपरांत जो ज्ञान प्राप्त किया वो तत्व ज्ञान था जी। एक और शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया है आपने इसी अध्याय में, गंभीर मुद्रा। ये गंभीर मुद्रा क्या है और इसका जो ज्ञान है वो क्या है? बेसिकली मैं चाहता हूं, क्योंकि जो भी इंसान आपकी किताब को, आपकी पुस्तक को पढ़ता है तो वो जानना चाहता है कि गंभीर मुद्रा जो है वो क्या है और उसका ज्ञान क्या है। देखिए, जो तत्व ज्ञान और ये गंभीर मुद्रा, ये लगभग पर्याय से शब्द है जी। अगर इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझे, जैसे कि मैंने अभी हाथ के एक एग्जाम्पल दिया है, जब हम इनका धरती का और अग्नि से मेल करवाते हैं, फिर उस पर ध्यान लगाते हैं, धरती का अंतरिक्ष पे मेल करवाते हैं, फिर उस पर ध्यान लगाते हैं, तो ये एक मुद्रा बन जाती है, उस मुद्रा से ही तत्व ज्ञान की प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त एक और है मुद्रा का, जो कि महर्षि संदीपनी ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु रहे हैं, उनके कुलगुरु, कुलगुरु तो दूसरे थे पर ये उनके गुरु थे, उन्होंने और एक थोड़ा सा इस बारे में बताया। वो क्या बताया कि जब हमारा मन है, मन और ये हमारी इंद्रियां, उनकी जो वासनाएं, मन का नेत्र, नेत्र के अंदर की जो वस्तु हम जिसके माध्यम से देखते हैं, मन से, मन का उसके साथ संयोग करवाना, मन से प्राण, जो हमारे पांच प्राण हमने बोले हैं, पांच प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान समान और उदान, मन का जब प्राण के साथ संयोग करवाते हैं, मन का जब अपान के साथ संयोग करवाते हैं, ज्ञान और उदान समान के साथ संयोग करवाते हैं, तो एक विचित्रता आ जाती है और वह व्यक्ति, वह चरित्र, वह साधक, उसको पूरी सृष्टि का, पूरी ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है जी। तो इस तरह से यह केवल वक्तव्य वाचक नहीं है,
हम बोल करके उसको नहीं बता सकते। ये अध्ययनात्मक ना हो करके प्रयोगात्मक शिक्षा है, और ये किसी न किसी उज्जवल जो शिक्षक हमें अगर कहीं मिल जाता है तो उनसे सीखने की आवश्यकता पड़ती है। इसको कोई भी कर सकता है, इसमें ये नहीं है कि भाई एक विशेष व्यक्ति ही उसको कर सकता है, जो भी साधना करना चाहता है तो इस दिशा में जा सकता है। जी, एक बड़ा अहम सवाल है कि श्री कृष्ण को 16 कलह संपूर्ण कहा गया है, ये मतलब 16 कलह संपूर्ण कैसे कहा गया, इसका आपका आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के विषय में एक थोड़ी सी भ्रांति है, वो मैं थोड़ा दूर करना चाहूंगा। इनका जो मैंने 60वीं पीढ़ी पहले को जो इनके बताए थे पूर्वज महर्षि अत्रि और माता अनसुईया, उनके पुत्र थे सोमदेव, जिनको चंद्रदेव भी बोलते थे जी। उन चंद्रदेव के कारण से श्री कृष्ण को चंद्रवंशी कहते थे जी। और चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, तो आम आदमी क्या मानता है भाई, वो जो अंतरिक्ष में चंद्रमा दिखाई दे रहा है वही जो श्री कृष्ण के पूर्वज थे और वही की उन्हीं की 16 कलाएं थी, पर ये ऐसा नहीं। इसमें ऋषियों ने कहा है, उपनिषद में भी ये बात आई है कि 16 कलाएं कोई वो व्यक्ति नहीं थी, जो वो कलाएं नहीं थी जो कि चंद्रमा की है, बल्कि उसमें चार चार भाग में अगर हम उसको बांट दी जाए, चार दिशाओं की कला थी, चार महाभूतों की कला थी, चार चतुर्दीप की कला थी, चतुर्दीप मतलब चार दीपों को, ठीक है जी, और चतुर्ज्ञान की कला थी। तो अगर मैं इसको संक्षेप में बताऊं, चार जो हमारी दिशाओं की जो कला थी वो क्या थी, प्राचीन मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें वेद में मंत्र है ओम प्राची दिग अग्नि अधिपति रक्षितो रक्षिता दित्या ईश्वर, यानी कि जो प्राची पूर्व की जो दिशा है उसमें क्या आता है, सूर्य उदय होता है जी, उसमें एक विशेष विज्ञान छुपा हुआ है, केवल यही नहीं है सूर्य उदय होता है जी, पूर्व में और इसके अतिरिक्त क्या होते हैं, कौन से ग्रह नक्षत्र हैं, कौन से सूर्य की कौन सी किरणें हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी हानिकारक है, उनको हम किस तरह से ग्रहण कर सकते हैं, किस तरह से उनको हमने अपने शरीर के अंदर संजो के रखना है, और कौन सी किरणें विज्ञान के रूप में उसका प्रयोग करके उनसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है जी, ये एक विशेष विद्या है। इसी तरह ये तीनों दिशाएं भी, ये चार विद्याएं पहली दिशाओं की होगी, दूसरी है पंच चतुर्द्वीप महाद्वीप महाभूतों की जो कला, चतुर्महाभूत उसमें क्या है, पृथ्वी आकाश जल और वायु जी। पृथ्वी की एक विशेष कला है, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के विषय में जब अनुसंधान करेगा तो वो केवल ऊपर से नहीं करता, ऊपर भी देखता है। आजकल तो साइंटिस्ट हम कृषि करते हैं खेती करते हैं तो ऊपर की भूमि को देख करके भी समझते हैं, यहाँ पे ज्यादा होगी यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक पृथ्वी के नीचे भी करते हैं जी, उनके इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, कुछ उससे नीचे भी करते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर किस किस तरह के क्या क्या साधन हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं वो पृथ्वी कला में हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से दूसरी जो है जल है आकाश है और वायु, जल आकाश और वायु में भी हम इसी प्रकार से अनुसंधान, हालांकि मैंने पूरा विस्तार से दिया है अपनी पुस्तक में, यहाँ पे बताने में थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए, तो वो भी उन सभी आकाश पे भी अनुसंधान करते थे, जल पे भी करते थे, वायु पे भी करते थे। उसके अलावा है चतुर्दीप कला, चतुर्दीप में क्या है, दीप क्या होता है, रोशनी देने वाला, उसमें क्या है, सूर्य है चंद्र है अग्नि है विद्युत है, इन सब के विषय में भी एक एक विषय पर बहुत लंबे मतलब विस्तारपूर्वक बताया गया है, पे उसमें पुस्तक में बताया है, इन पे अनुसंधान भी किया गया है, किया जाना भी चाहिए और भी चाहिए। उसके अतिरिक्त है चतुर्ज्ञान, चतुर्ज्ञान में क्या है, हमारा मन है, चक्षु है, श्रोत्र है और घ्राण है, घ्राण और प्राण,
प्राण भी कहा है, किसी जगह प्राण का है, किसी जगह ग्रहण का है, पर दोनों का अर्थ लगभग जाकर के लास्ट में एक ही होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो इस तरह से एक एक पार्ट की चार चार कलाएं थी, तो ये 16 कलाएं होंगी। 16 कलाओं को जो व्यक्ति जान लेता है वो भगवान के रूप में पूजनीय बन जाता है और उसको पूरी सृष्टि का ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और है, एक श्री कृष्ण को यही नहीं था, अथर्ववेद में एक मंत्र आया है कि अष्टचक्र नव द्वारा देवा नाम प्रयोध्या जी। ये जो हमारा शरीर है ये 8 चक्र और 9 द्वारों से बिल्कुल एक सम्मिलन है। तो वो जो 8 चक्र है, 8 चक्रों से अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने वाले अगर कोई थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो वो 8 चक्र कौन से हैं? हालांकि मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, अगर उनके नाम अगर जानना चाहो तो मैं बता देता हूं कि मूलाधार चक्र हमारा नीचे से स्टार्ट होता है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र हृदय के पास होता है जी। उसके बाद मनस चक्र होता है, मन मन जिस पे कंट्रोल होता है। फिर विशुद्धि चक्र यहाँ पे होता है गले पर, उसके बाद हमारा आज्ञा चक्र यहाँ पर होता है, और ब्रह्म रंध्र जिसको बोलते हैं, ब्रह्म सहस्त्राद्र जिसको बोलते हैं ब्रह्म प्रदेश भी जिसको हम बोलते हैं जी यहाँ पे। तो इन 8 चक्रों पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वामित्व कायम रखा हुआ था जी, जिसके कारण से उनको अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती। सो दोस्तों, मेरे साथ थे ये श्री कृष्ण कुमार आर्य जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में और आज के साइंटिफिक युग की अगर बात करें उसके साथ एक तालमेल बिठाते हुए एक पुस्तक लिखी है, कर्मयोगी कृष्ण। आज उन्होंने जो श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में आपको बताया, इसको विस्तार से जानने के लिए आप इनकी पुस्तक कर्मयोगी कृष्ण जरूर पढ़ें। और अगर आपके कोई विचार है, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। श्री कृष्ण जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।